शोरमा सिर्फ मिर्च और नमक से नहीं बनता, उसमें दही भी डाली जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शक्कर भी डाली जाएगी, तो हर तरह का मसाला डालने के बाद कोरमा तैयार होता है। इसी तरीके से एक अच्छी शायरी कहने के लिए जो है आपको गम भी चाहिए होता है, कहीं कहीं थोड़ी खुशी भी चाहिए होती है, और इसके साथ साथ घर के हालात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि घर के हालात कैसे हैं। वो सब कुछ मिला मिर्ज़ा गालिब को तोहफे में, तब जाके जो है मिर्ज़ा गालिब हुआ। इनका दिल टूटा, शराब पीते ही थे। दूसरा, खानदानी रईस थे, ब्रिटिश सरकार ने जो है इनकी जायदाद जो है वो पूरी जब्त कर ली। लास्ट मोमेंट तक जो है बेचारे जद्दोजहद करते रहे पैसों के लिए, पेंशन के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको विरासत मिली। बेचारे के साथ बच्चे हुए बट नॉन ऑफ देम सर्वाइव। तो ये गम भी जो है इनको हमेशा जो है अपनी शायरी में इन्होंने लिखा है। मिर्ज़ा गालिब जब भी देखिए, अगर मैं यहाँ से लाइफ एंड टाइम पूरा मैं शुरू सुनाऊँ कि भाई ही वाज बॉर्न देयर देन ही डाइड हियर, तो बहुत वक्त हो जाएगा। ओके, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे जो है आपको वो याद रहे जब आप घर जाएँ। तो एक किस्सा है, मैंने भी कुछ अपनी लास्ट वॉक में भी सुनाया था कि मिर्ज़ा नौशा, इनको मिर्ज़ा नौशा इसलिए बोलते थे, नौशा मीन्स जमाई, तो दिल्ली के जमाई थे तो हर कोई मिर्ज़ा नौशा इनको बोलता था। तो मिर्ज़ा नौशा को एक दिन बिठा लिया कुछ लड़कों ने, और लड़के जो पहले जो लड़के जो लौंडे होते थे बहुत खुराफाती किस्म के होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आज के तो लड़के हैं ही खुराफाती, पहले भी बहुत ज़्यादा खुराफाती होते थे, मतलब बड़े बड़े बुज़ुर्गों को बिठा लेते थे अपने पास। तो वो मिर्ज़ा साहब वहाँ से निकले तो उनको बिठा लिया कि मिर्ज़ा साहब आज आपसे जो है हमें कुछ लिखवाना है। तो बोला क्या लिखवाना है? मिर्ज़ा साहब आज आप उन्हें लिख के देंगे कि आप शराब पियेंगे नहीं। कहते यार ऐसे तो मैं प्रॉमिस कर नहीं सकता। कहते मिर्ज़ा साहब बेगम साहिबा से जो है बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि आप शराब बहुत ज़्यादा पिया करते हैं, आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप शराब नहीं पिएंगे। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा चलो ठीक है, जान छुड़ाने के लिए मैं लिख के इनको दे देता हूँ। तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने जो है वो लिख दिया कि शराब नाप से तौबा और मेरी तौबा मेरी तौबा, उन्होंने लिख के जो है उसको दे दिया। अब कुछ वक्त बाद जो है एक मैखाने में जो है फिर पकड़ लिया कुछ लौंडों ने, कहते मिर्ज़ा साहब आपने तो शराब पीने के लिए मना किया था। कहते मैंने कब मना किया? कहते मिर्ज़ा साहब आपने शराब पीने के लिए मना किया था और हमारे पास लिखित में जो है आपके पास वो दस्तावेज मौजूद है, तो कहते ला के दिखाओ। तो जब ला के दिखाया तो उन्होंने बोला पढ़ के दिखाओ कि पढ़ा लिखा गया है। इसमें वो पढ़ते हैं, कहते हैं कि इसमें लिखा है कि शराब नाप से तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, मतलब ये कि शराब जाम से तौबा ठीक है, मेरी तौबा अगर मैं इसे ना पीऊँ। तो ये मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियत, तो बहुत बड़े हाजिर जवाब, बहुत बड़े वाले हाजिर जवाब वो ये कि एक शाम को जो है जब पहली बार जो है मुशायरे में गए लाल किले में, तो हमेशा से ख्वाब, जैसे मुझे एक बड़ा ख्वाब है कि कहीं से बुलावा आएगा मुझे, और ऐसे मिर्ज़ा साहब का एक ख्वाब था कि कहीं से जो है उनको वो बुलावा आएगा, वो बुलावा आएगा बहादुर शाह जफ़र के दरबार से कि आप आओ हमारी महफिल में जो है शायरी पढ़ो। तो एक शाम जो है वो उनका लोगों वो ख्वाब जो था वो पूरा हो भी गया, उनको बुलाया गया, अब वहाँ पहुँचे। अब पहुँचने के बाद जो इन्होंने फ़ारसी में जो है शायरी करना शुरू किया, अब वहाँ किसी को समझ ना आए तो किसी तरीके से जो है वहाँ से उठ के जो है वो आ गए। जब घर आए तब उनकी जो बेगम थी, तब उन्होंने बोला उनको कि भैया ऐसा है क्या, क्या हुआ क्या, ने मतलब बताया नहीं, और मुशायरा तो तुमने लूट लिया होगा। तो कहते हैं कि बस मैंने अपनी टोपी नहीं उतारी वरना वो अपना ताज मेरे सर पे रखते। सही बात है कि अगर वो बादशाह के सामने गिर जाते तो फारसी से अपने उर्दू में जो है शायरी करने लगते तो शायद उनको जो है वो ताज जो है वो हासिल हो जाता। एक किस्सा है वो ये कि मिर्ज़ा साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा मजलूमी में जो है अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे थे, कुछ पैसे का कुछ था नहीं कहीं से ज़रिया, तो साहूकारों से सेठ धन्ना लोगों से जो है पैसा लिया करते थे, और ये कहा करते थे कि मैं उन लोगों की नौकरी छीनना नहीं चाहता क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है पैसा देना। तो सब लोगों को जो है उन्होंने एक लाइन बोली हुई थी कि मेरी पेंशन मिलेगी, मेरी जागीर मिलेगी, तो आप सबका पैसा जो है वो अदा कर दिया जाएगा। तो हर किसी को जो है वो दो दो लाइनें जो है वो चिपका देते थे शायरी की, तो लोग जो है वो दिल पिघला के जो है उनको पैसा दे दिया करते थे। एक बार जो है वो पैसा लेके घर आए, और घर आने से पहले ही जो है उन्होंने सारा का सारा पैसा जो है वो शराब खरीदने में लगा दिया। शराब भी जो है वो बहुत असल किस्म की होती थी, वो शराब मेरठ कैंट से आती थी, अंग्रेज़ी शराब होती थी, क्योंकि देसी शराब को तो वो बिल्कुल वो दवा पे लाते भी ना।
दबाया तो उनकी बेगम ने पूछा कि ईद आने वाली है और तुमने सारा का सारा पैसा जो है उस तरीके से जो है वो बर्बाद कर दिया, शराब में जो है वो दे दिया। तो वो कहते हैं कि बेगम तुम जानती नहीं हो पूरे मोहल्ले में इस वक्त अमीर कौन है। तो कौन अमीर? पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अमीर इस वक्त हम लोग हैं कि हमारे घर में इतनी शराब है कि बहादुर शाह जफर का जो मैखाना है वो भी कम पड़ गया। तो उनको कहना ये था कि ऐसा करो, ये पूरा का पूरा मैखाना जो है बहादुर शाह जफर को दे आओ और वहाँ से कुछ अशर्फियाँ ले आओ तो घर में कुछ सेवैयाँ बन जाए। तो इस तरह की नोकझोंक होती रहती थी। तो अपनी बीवी के लिए भी कभी कभी जो है वो शायरी लिख दिया करते थे फूल से जो है। तो उनके वो अपनी बीवी के लिए बोलते हैं कि दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको। जुम्बिश होता है कोट। उनकी वाइफ जो है उनसे खपा होके जा रही थी। तो वो कहते हैं कि दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, जो ना दे बोसा मुंह से कहीं जवाब तो नहीं। बोसा होता है किस करना, कि अगर तुम किस नहीं कर सकती हो हमें तो कहीं जवाब तो दे दो उस मुंह से। इस तरीके से जो है उनकी अपनी वाइफ से जो है खिटपिट जो है वो ज़िंदगी भर चलती रही। एक वक्त आया, उन्होंने 1857 का ज़माना देखा और ये वो ज़माना था जब दिल्ली पूरी तरीके से लुटी और हम लोगों के पास कुछ रहा नहीं। हम लोग मतलब मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो हम ही लोग थे हिंदुस्तानी जिन लोगों ने ये हालात देखे। मई जून का महीना था और तकरीबन 134 दिन ये लड़ाई हुई और दिल्ली वाले जो थे उन लोगों ने क्या क्या ना झेला। और पानी नहीं होता था लोगों के पास, हर गली में सिपाही घूमते रहते थे नंगी तलवारें लेके, तो लोग अपने घरों में कैद रहते थे। कई कई दिनों तक जो है वो खाना नसीब नहीं होता था। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है इन चार महीनों का जो एक हाल जो है अपनी डायरी में लिखा है जिसका नाम उन्होंने दस्तंबू दिया। और उसी में जो है उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो पानी पिया। पानी जब बरसात होती थी तो चादर में पानी छान कर जो है वो लोग पानी पिया करते। वक्त बीता, फिर एक दौर आया, 1857 ख़त्म हुआ। मिर्ज़ा गालिब जो है पर वो ख्वाबों में रहे। तो जितने भी शायर होते हैं बहुत ज़्यादा ख्वाबों में रहते हैं। मिर्ज़ा गालिब अपने ख्वाबों में थे, उनको ये लगता था कि मुग़ल दौर अभी भी है, बहादुर शाह जफर आज भी तख्त नशीनी में है और वो हमारा जो दोस्त मतलब बादशाह बाद में है, पहले हमारा दोस्त है। फिर से महफिलें होंगी और फिर से जो है वो महफिलें आबाद होंगी और हम लोग जो है वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1857 के बाद जब मिर्ज़ा गालिब को जो है लाल किले बुलाया गया तो दीवाने खास में जो है जब उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि तुम लोगों ने किसी मतलब लाइक आपने कितनी हेल्प की बागियों की। तब वो जो उन्होंने बिल्कुल नज़रें जो है नीचे झुका ली। जब उन्होंने एक बार नज़रें ऊपर की तो सामने जो है तख्त पड़ा हुआ था, जो तख्त मार्बल का आज भी पड़ा हुआ है दीवाने खास में। मिर्ज़ा गालिब की आँखों से आँसू निकल आए और वो आँखों से आँसू पहुँचते हुए किसी तरीके से बाहर निकल आए। एक शख्स ने उनसे पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है, तो उन्होंने बयां किया कि एक वक्त था जब मेरा दोस्त मेरा यार बहादुर शाह जफर जो है उस तख्त पर बैठा करता था, आज जो है वहाँ पे जो है अंग्रेज़ी किस्म की मेज़ और टेबल लगी हुई है, हाथ में कलम है, एक फाइल सामने पड़ी हुई है। वो कोई शख्स और है जो मुझसे जवाब तलब कर रहा है, वो शख्स कोई और था जो मुझे बुलाकर जो है वो गले लगाया करता था। ये चीज़ें आखिरी वक्त तक जो है मिर्ज़ा साहब अपने दिल में संजोए रहे और फिर उसके बाद इंतकाल फरमाया। मिर्ज़ा गालिब को जो आज हम लोगों के सामने पेश किया जाता है उसका सारा क्रेडिट जो है वो गुलजार साहब लेते हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक मिर्ज़ा गालिब को प्रमोट किया है, बट एक शख्स जिसने मिर्ज़ा गालिब को हमारे सामने जो है वो लेके आया, उस शख्स का नाम था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली जो पानीपत से थे और मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी में थे, उनसे शायरी सीखा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल मिर्ज़ा गालिब के साथ बिताए उन्होंने जो है वो सारे के सारे एक डायरी में लिखे, क्योंकि 1857 में ज़्यादातर जो दीवान थे मिर्ज़ा गालिब के वो जल गए थे और बाद में जो दीवान थे वो जितने भी कर्ज़दार लोग होते थे वो उठाकर ले जाते थे। तो उन्होंने जो है यादगार गालिब नाम से जो है एक दीवान निकाला और उसी की बदौलत जो है हमें मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा खुददार इंसान। ये जो अभी हम जो खड़े हुए हैं ये एक्चुअली में कब्रिस्तान है, ओके, और ये लोहारुओं का कब्रिस्तान है। दिल्ली के अंडर में 7 रियासत हुआ करती थी, जिसमें लोहारू, पटौदी, दुजाना, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़, ये सारी रियासतों से जो है आपका पैसा आता था। तो लोहारू जो है अभी आपके हरियाणा में है। लोहारुओं के ख़ानदान की जो लड़की थी
वो मिर्ज़ा गालिब की वाइफ थी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब जो है वो दामाद हो गए थे यहीं के, तो उनको जो है फिर उन्हीं के कब्रिस्तान में दफनाया गया। ठीक इसके पीछे जो है मिर्ज़ा गालिब की वाइफ उमराव बेगम की कब्र है, और उसके बाजू में जो है मिर्ज़ा इलाही बख्श उसके उमराव बेगम के जो फादर थे उनकी ग्रेव, एक्चुअली में उनका फैमिली कब्रिस्तान। ऐसा ही एक कब्रिस्तान जो लोहारों का है वो महरौली दरगाह में भी है, जहाँ पे नवाब अहमद बख्श खान द फाउंडर ऑफ लोहारू डायनेस्टी वो दफन। दो चीज़ें, निज़ामुद्दीन ने अपना दरगाह किस साल में बनी और ये किस साल में अपने दफन हुआ, किस आसपास? बहुत लंबा दौर है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ही डाइड इन 1325, ये 19th सेंचुरी के 1869 के आसपास, तो बहुत लंबा दौर है।